क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। तो वैसे मेरे लिए ये बहुत अच्छी जर्नी रही है अब तक, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और फर्स्ट टाइम में मैं अभी तक धीरे धीरे मेहनत करके एक 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 एक, एक, एक स्टेप्स चढ़ रहा हूँ। पहली बात ये है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो मेरी एक्चुअली मेरे परिवार वाले थे, मेरी जो नानी थी उसने मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, वो हमारे घर को जिसे मेरी मम्मी पापा है तो राशन मेरा राशन पानी देती थी, रहने के लिए हमारे पास घर नहीं था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कुसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कुसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन राउंड में मैंने परफॉर्म किया था तब मुझे ऑफ कोर्स टेंशन था, क्योंकि वो तीन मिनट का गाना तुम्हें या तो वापस जहां तुम थे वहां ला सकता है या फिर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जा सकता है। जिस स्टेप्स को चढ़ के तुम्हें एक बड़ा दरवाजा दिखेगा वो है इंडियन आइडल का दरवाजा। हाय नचिकेत, हाय सवाई, हाउ आर यू? नमस्ते। हाय हाय हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। यू नो अभी इंडियन आइडल में आपके काफी सारे परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है एंड आप दोनों को काफी ज्यादा यू नो प्रोत्साहन भी मिल रहा है, तो वो एक फीलिंग कैसी है इतना स्ट्रगल करने के बाद? हमारे लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा मंच है, मेरे लिए नहीं हर किसी के लिए भी बहुत बड़ा मंच है ये, क्योंकि ये इस मंच से बहुत लोगों को तरक्की मिलती है और ये मंच अगर जिसमें टैलेंट की बात होती है तो उसको आगे तक भी ले जाता है और इसके जरिए लोग दुनिया भी सपोर्ट करती है इस शो को देख के और काफी लोग टीवी में देख के बहुत सारा प्यार देते हैं हमें। सेम मेरे साइड से भी सेम है कि क्योंकि इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल सिंगिंग करियर चूज करते हैं कि मुझे सिंगर बनना है क्योंकि मुझे गाना पसंद है, क्योंकि मुझे इंडियन आइडल में जाना है, मुझे इंडियन आइडल जीतना है, जो भी है। तो ये एक लाइक इट्स अ थ्रेशोल्ड जिसके लिए बहुत से लोग अपना करियर शुरू करते हैं कि यहाँ मुझे जाना है और इसके बाद मुझे बड़ी छलांग लेनी है। सो इधर आए हैं हम दोनों सभी लोग और हमें बहुत प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और जस्ट ऐसे ही रहने दो, ये भगवान की तरफ प्रार्थना रहेगी। या एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा यू नो जजेस कितना सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो एक बोलते हैं ना एक गुरु होते हैं जजेस, तो किस तरह से आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? जजेस बहुत बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही फैमिली जैसे है हमें। हमें याद है कि हमारा पहला एपिसोड था ग्रैंड प्रीमियर का और हम सभी लोग फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले थे इतने बड़े सेट पे एज अ टॉप 15, एज इंडियन आइडल टॉप 15। सो हमको बहुत डर लग रहा था और तब हमें याद है कि नेहा मैम ने स्पेशली बोला था कि तुम सब लोग डरो नहीं, हम तुम्हारी एक फैमिली है, हम एक फैमिली की तरह तुम्हें सपोर्ट करने, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी अगर तुम कहीं गलत हो रहे हो तो हम तुम्हें गलतियां तुम्हारी बताएंगे, उससे तुम सुधार सकते हो और उससे तुम और अच्छा गा सकते हो। सो हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हमारे सामने जैसे तुम तुम्हारे फैमिली के सामने परफॉर्म करते हो वैसे परफॉर्म करो, हंसो खेलो कूदो मजा करो और जो भी है म्यूजिक एंजॉय करो। तो वो सब सुनने के बाद बहुत शांति मिली कि ये एक फैमिली जैसी है। पहली बात यह कि जजेस जो है उनके सामने बहुत बड़ी बात है उनके सामने गाना, कि उन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत करी है जब भी उस मंच तक पहुंचे वो, और आज पूरी दुनिया उनको देख रही है और वो हमें जो किस टाइप से हमें कमेंट देते हैं वो उनका कमेंट ही हमारे लिए एक लाइफ बदलने वाला है। क्योंकि उनकी कमेंट में ऐसी मतलब ऐसी चीज है कि हमें और शक्ति मिलती है गाने की और परफॉर्म अच्छा करने की और चाहत होती है कि हम इससे भी ज्यादा बेटर उनके सामने परफॉर्मेंस करें। या
सवाई आपकी बात करें तो आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल हमने आपका देखा है, जिस तरह से शो में भी बताया गया था, तो वहां से उससे छोटे शहर से यहाँ तक पहुंचना वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप दोनों से एक और सवाल है कि जजेस के सामने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते वक्त क्या फीलिंग थी आप दोनों की? पहली बात ये कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो मेरी एक्चुअली मेरे परिवार वाले थे, मेरी जो नानी थी उसने मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, वो हमारे घर का जैसे मेरी मम्मी पापा है तो राशन मेरा राशन पानी देती थी, रहने के लिए हमारे पास घर नहीं था। और फिर जैसे मैं छोटा था तो दादाजी के साथ मैंने जैसलमेर भी रह चुका हूँ, तो जैसलमेर में भी अच्छे गाने बजाने वाले कम्युनिटी बहुत है, मंगनियार लंगा और हमारे समाज के भी बहुत है, तो उनको देख देख के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर वहाँ से हम लोग मेरे गांव आ गए, तो गांव के अंदर हम लोगों ने जैसे हमारे जुजवान होते हैं तो उनसे मांगना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। मेरे दादाजी, उनके दादाजी भी पहले मांगते थे, पर हम लोग जैसलमेर रहने लग गए थे तो थोड़ा बीच में 2-3 साल तक ऐसा हो गया था। तो वापस हम लोग गाँव आए तो गाँव वालों ने थोड़ी बहुत जगह दिया हमें झोपड़ी बांधने के लिए, तो हमने झोपड़ी बांधी वहाँ पे रहते थे, तो अभी वहाँ पे रह रहे और जुजवानों से मांगते हैं। और फिर ऑडिशन के बारे में मुझे इतना पता नहीं था कि ऑडिशन कैसे देते हैं और इंडियन आइडल, क्योंकि मैं मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मेरे नानी के घर पे टीवी थी तो वो देखते थे रोज चैनल, तो उस पे देख देख के मैंने और भी सीखा है उनको देख देख के। और मेरे मामा जी के पास एंड्रॉयड मोबाइल था, तो उसमें मैंने बड़े बड़े उस्तादों को सुन सुन के, फिर आसपास के मेरे गाँव में छोटे मोटे जागरण होते थे तो उसमें जा जाके थोड़ा सीखा, फिर ढोलक बजाना सीखा, फिर गाना सीखा, ऐसा था। यस, तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि पहली बात तो सवाई को हम देख रहे हैं, तो सवाई बहुत ही मतलब उसका स्ट्रगल हम देख रहे हैं कि वो बहुत नीचे से ऊपर कोशिश कर रहा है एक 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 स्टेप चढ़ के खुद के पैर पर खड़े रहने की। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के कि वो बहुत इंडिपेंडेंट हो रहा है और अभी खुद के पैर पे खड़ा हो रहा है, उसको सब दुनिया दिख रही है, वो नई नई चीज सीख रहा है, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन राउंड में मैंने परफॉर्म किया था तब मुझे ऑफकोर्स टेंशन था, क्योंकि वो तीन मिनट का गाना तुम्हें या तो वापस जहां तुम थे वहां ला सकता है या फिर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जा सकता है, जिस स्टेप्स को चढ़ के तुम्हें एक बड़ा दरवाजा दिखेगा वो है इंडियन आइडल का दरवाजा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी मेरे लिए। दूसरी बात, एक बड़ी चीज मेरे लिए ये थी कि लास्ट सीजन का रनर अप रोहित राउत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसके सीजन में उसको बहुत सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया था, तो वो मेरे लिए सपोर्ट करने आया था, तो एज वो खुद बीइंग रोहित राउत मुझे सपोर्ट करने के लिए आया था, तो मुझे उस बात की भी एक थोड़ी टेंशन थी कि उसके एक्सपेक्टेशंस तक मुझे खरा उतरना है और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि वो मुझे लेके आया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसने बोला है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है और मैंने अच्छा वो टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, तो शायद रोहित भी बुरा मान जाता कि अरे क्या हो गया ये, तो उसका भी एक प्रेशर था, तो ऑफकोर्स टेंशन था, पर मुझे एक बात को लेके मैं खुद को शांत कर रहा था कि वो 3 मिनट वो स्टेज बस तुम्हारा है, वो स्टेज पे बस तुम अकेले हो, तो यू शुड ओन स्टेज और तुमने जितना भी सीखा है वो अप्लाई करने का वक्त है, तो वहां पे नर्वस हो के तुम्हारा परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं होने देना है, और वहां पे कुछ और चीजें तुम्हें तुम्हारे गाने से दूर नहीं ले जानी चाहिए, तो गाने के अंदर रह के जितना सीखा है उतना अच्छा करो, उतना ही मैंने ध्यान में रखा था, तो वो सब भगवान की कृपा से अच्छा हो गया। ओके नचिकेत, आपके स्ट्रगल की बात करें तो आपको कितना स्ट्रगल देखना पड़ा इंडियन आइडल तक पहुंचने के लिए? मुझे सवाई के बाजू में बैठ के मैं अभी स्ट्रगल के बारे में ज्यादा तो बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सवाई का स्ट्रगल बहुत ही और जेन्युइन स्ट्रगल, पर मैंने कोशिश मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम कोशिश की है कि मैं नेशनल रियलिटी शो में उतरूं, तो वैसे मेरे लिए ये बहुत अच्छी जर्नी रही है अब तक, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और फर्स्ट टाइम में मैं अभी तक धीरे धीरे मेहनत करके एक 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 स्टेप चढ़ रहा हूँ, पर मैं बचपन से गाते आया हूँ और एक 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 नई नई चीजें सीखते आया हूँ, मुझे नई नई चीजें समझ में आ रही है, जैसे सवाई का हो रहा है कि वो एक 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 चीजें अभी ये माहौल में सीख रहे हैं, वैसे मैं
बहुत माहौल से सीखते सीखते यहाँ पे आया हूँ. सो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, पर जरूर मैंने सपने देखे हैं, मैंने सपने टूटते हुए देखे हैं, और अभी एक और सपना मुझे दिख रहा है और वो सपने की तरफ मैं मेरी पूरी जी जान लगा रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके नजदीक पहुंच सकूं. तो इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी टिल नाउ. सो या एब्सोल्युटली. तो अभी हमने आपके आने वाले जो एपिसोड है उसकी कुछ झलक देखी है, जैसे एक ड्यूएट परफॉर्मेंस है और शादी स्पेशल है, तो वो शूट करके कितना मजा और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? वो शूट करके सॉरी यू कैन कंटिन्यू उसके बारे में बोलते हैं. क्या सवाल था? मैंने शादी स्पेशल और ड्यूएट धमाका, ये जो दो अभी हमारे शूट हुए, उसको कैसे लगा रही थी? पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कभी ड्यूएट गाया नहीं है किसी के साथ, और इस मंच पे आने के बाद में मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और सभी अच्छे गाने वाले हैं उनसे और भी सीखने को मौका मिल रहा है मुझे उनके साथ, जो मुझे अगर चीज़ नहीं आती है तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये मुझे बताते भी हैं सारे लोग, तो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं ये लोग. और वहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो शादी का जो फंक्शन था वहाँ पर गाने का, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ दानिश भाई गाने वाले थे, एक दानिश मोहम्मद, वो अच्छा गाते हैं, उनके साथ मेरा परफॉर्म था, तो हमने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे और जजिस को इम्प्रेस भी किया अपने गाने से. फिर हमारा मेरे पवनदीप के साथ था मेरा परफॉर्म, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट बार गाया है, दो जने साथ में गाए, तो थोड़ा सा लगता है क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं कभी गाया नहीं ऐसे, तो मुझे सारा कुछ उसमें याद रखना पड़ता है और बहुत प्रेशर आ जाता है उसमें गाने में. पर जजिस से हमने ये चीज सीखी है कि अगर आप गाना गाते हो तो उसको अच्छी तरह से फूल की तरह सजा दो. क्या बात. यही हुआ कि डुएट और शादी एपिसोड कैसे था कि जजेस के हिसाब से जजेस ने ऐसे कहा था कि डुएट राउंड इतने जल्दी हो रहा है, ये हमको देख के बहुत शॉकिंग है हम, क्योंकि यूजुअली डुएट राउंड कॉम्पिटिशन के बहुत आगे के हिस्से में होता है. तो वो ही देख रहे थे कि हम इतने कम समय में एक दूसरे के साथ कितने अच्छे बॉन्ड होके, कितने अच्छे एक दूसरे के साथ जेल होके परफॉर्म करें, क्योंकि डुएट में दोनों का एक साथ परफॉर्म करना एक ही एनर्जी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सभी कंटेस्टेंट्स को देख के कि वो एक दूसरे के साथ जेल होके एकदम अच्छे से, कोई कोई नाचने वाला गाना था, कोई ऐसे फनी मोमेंट्स वाले गाने थे, तो सब एक सब सब छोड़ के सब नाच रहे, हंस रहे, एक्ट कर रहे, रिएक्ट कर रहे, फनी मोमेंट्स, फनी गाने पे फनी नाच रहे, तो ये सब बहुत अच्छा था. और ये सब देखने वाली चीज थी कि इतने जल्दी इतने कम समय में हम इतने एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है. तो इट वॉज अ फन एपिसोड, और मेरे लिए तो इट वॉज अ हिस्टोरिक एपिसोड, क्योंकि मेरे लिए जिस भूमिका ने मुझे आइडल में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले हैं, बाल गंधर्व जी की भूमिका मैंने जो की थी और जिसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, तो वो भूमिका, उस भूमिका पे एक फिल्म आई थी मराठी इंडस्ट्री में बाल गंधर्व नाम की, और उसमें जिन हीरो ने एक्ट किया था, जिन्होंने बाल गंधर्व जी को जिया है प्रॉपर, खुद वो खुद मुझे मेरा परफॉर्मेंस देख के सपोर्ट करने आए थे, जिनका नाम है सुबोध भावे, तो वो मुझे आए सपोर्ट करने आए, उनसे मुझे सुनने मिला कि जब नचिकेत का बाल गंधर्व मैंने देखा तब मुझे साक्षात बाल गंधर्व दिखे, तो वहां पे स्टेज पे मैं बहुत खुश भी हो गया था और मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि इतने बड़े कलाकार ने मेरी तारीफ करना, तो ये सब मैं ना यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाला हूँ, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पल मैं जी रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा है. ओके. जैसा कि अभी आपने बॉन्ड की बात की, तो आप दोनों का बॉन्ड आपस में किस तरह का है, थोड़ा वो हमें जुगलबंदी करके बताएं. अरे बाप रे, मतलब गा के बताया या कैसे? मतलब गा के. ओके. तो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे भाई जैसे है हम, पर हमारी गायकी बहुत अलग है. मतलब मैं सवाई से उसकी गायकी
मैं उसको जाके बोलता हूँ कि मुझे ये सिखा दे, मुझे वो सिखा दे, वो मेरे पास कभी कभी आता है ये सिखा दे. तो ये दोनों का मिलन करने के लिए हमें एक्चुअली सच में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी. पर हम आपको प्रॉमिस जरूर करेंगे कि हम हमारी जुगलबंदी जरूर आपको सुनाएंगे, पर अभी के लिए दो दो लाइन हम हमारे इसके हम दो दो लाइन आपको सुना देंगे. चलेगा आपको? हाँ चलेगा, जरूर चलेगा, चलेगा. सो कुछ भी सुना दे, पहले मैं सुनाता हूँ, बाद में तू सिक्स मार दे. पहले मैं ओपनिंग कर दो, फिर तू सिक्स मार दे, चलेगा? ओके. सो मैं एक अच्छा फिल्मी सा गाना पहले गाता हूँ, फिर बाद में हमारे भैया फिनिश कर देंगे मैच को. ओके. खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ. क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ. मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ. खामोशियाँ एहसास है, तुम धुन को गाओ जरा. खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ. थैंक यू. नाइस नाइस. साखी की हर निगाह पे मैं बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हूँ मैं, लहरा के पी गया, लहरों लहरा के पी गया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कुसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कुसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कुसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया.
तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। क्या बात, वाह वाह वाह। आप दोनों की परफॉर्मेंस सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो स्टेज पे तो खैर धमाका तो होता ही होगा। थैंक यू। यस एंड इसके अलावा यू नो इंडियन आइडल में बात इंडियन आइडल ने जैसे कि सबको बहुत कुछ दिया है, तो आगे आप किस तरह से यू नो कंपटीशन में उतरने वाले हो, क्या आप हाई पिच या लो पिच किस तरह से सारी चीजें होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो कैसे है कि इंडियन आइडल, हाँ इंडियन आइडल एक कंपटीशन जरूर है, पर अभी कैसे हुआ है कि हम एक साथ सब रह रहे हैं, हम एक साथ सब रियाज कर रहे हैं, एक साथ हम एक दूसरे के गानों की प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे को आउटपुट्स देते हैं, तो हमारे लिए कॉम्पिटिशन ऐसे अभी अभी तक वो फील नहीं आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि वो फील कभी ना आए, क्योंकि जब वो कंपटीशन वाली बात आ जाएगी तब वो ऐसे हो जाएगा कि यार यार नहीं, वो नहीं चाहिए, वो इधर जो माहौल है वो बहुत अभी प्योर है और एकदम पॉजिटिव है। तो हम बस हम खुद को और एक दूसरे को यही समझा रहे हैं कि हमें जो गाना है, जो भी गाना हमको मिलेगा या फिर जो भी गाना हमको परफॉर्म करना है, उस गाने पे और अपने गाने पे पूरा फोकस करके हम अपना खुद का गाना कैसे 50 से 70, 70 से 80, 80 से 100, 100 से 1000 तक लिखी जाए। अगर सभी ने अपना गाना 100% के ऊपर ही दिया तो पूरा शो आगे जाएगा। मतलब हमने ऐसे एक दूसरे से बात करके ऐसे हो गया कि हम जजेस को मजबूर करेंगे कि किसी को एलिमिनेट ना करें कोई भी एपिसोड में, तो हम एक साथ मिलके ये शो बहुत ग्रैंड बनाएंगे, क्योंकि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ये इस बार ये शो है GTE, दैट इज ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर। सो हमको उस शब्द पे खरा उतरना है कि हाँ सच में ये बार का टैलेंट बहुत ग्रेटेस्ट है, और कंपटीशन वाली भावना इतने जल्दी आने नहीं देना है, और बस जो भी परफॉर्मेंस है उस पे पूरा मेहनत करके 100% फोकस से 100% देना है। तो अभी तक तो हमारा ये ही फंडा रहा है अभी तक तो। ओके ओके एंड जजेस की बात करें तो आप दोनों के फेवरेट जजेस कौन है? ये रहा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। अगर एक का भी नाम लो तो कैसे है कि तुम कुछ बोलना चाहोगे इस पे? नहीं बोलूं तो कैसे है कि तीनों जजेस में ना एक एक खूबियां है जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे विशाल सर थोड़े से स्ट्रिक्ट दिखते हैं पर वो अंदर से बहुत नरम इंसान है, वो हमें अगर कुछ चीजें नहीं ठीक से हो रही है तो इतने प्यार से समझाएंगे कि उस चीज का बुरा नहीं लगेगा, उस चीज पे हम वर्क करके नेक्स्ट टाइम वो याद रखते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये कमेंट दी थी और ये टाइम तुमने उस पे वर्क किया। कहीं पे ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा तारीफ 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 करके हम वहां पे स्टक हो जाएंगे। नेहा मैम का एक प्लस पॉइंट, विशाल सर जब पसंद आता है तब इतनी तारीफ करते, इतना मतलब वो खुद आके सवाई को सिर पे उठा लेंगे या फिर जो भी गाया उसको आके गले लगा लेंगे, तो इतने प्यारे हैं वो। नेहा मैम के बारे में कहा जाए तो नेहा मैम हमेशा ओरिजिनल गाना क्या है कैसे है उसके ऊपर बहुत वो फोकस रहती है कि ओके तुमने ये गाना ओरिजिनल है और ये गाने का तुमने ये इम्प्रोवाइजेशन किया है, तो दोनों का अच्छा मिलन हुआ है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक प्रॉपर जज की तरह कि ये ओरिजिनल था, ये ऐसा था और तुमने उसको ऐसा बना के सुंदर बना दिया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि नेहा मैम बहुत प्यारी है और बहुत प्यार से समझाती है कि ओके ये बहुत अच्छा और ये थोड़ा सा और करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिमेश सर, ही इज अ कंपोजर और हम सबको पता है कि हिमेश सर ने हमें बहुत से न्यू टैलेंट को बहुत चांसेस दिए। जैसे सबको पता है कि हम कुछ कंटेस्टेंट्स में से ऑलरेडी कुछ लोग जाके प्लेबैक करके आए हैं हिमेश सर के पास, सो वे लुक हिम अप टू अ ड्रीम कंपोजर की ऐसे गाना है कि हिमेश सर को इम्प्रेस करना है, हिमेश सर हमको उनका एक गाना दे दे और वो देते हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। सो वैसे कहा जाए तो तीनों को 100 मार्क्स है हमारी तरफ से, क्योंकि तीनों अपनी अपनी जगह पे
एक प्लस पॉइंट है, दो प्लस पॉइंट है, फिर एक प्लस पॉइंट, दो प्लस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट, दो प्लस पॉइंट। सो कुल मिला के किसी को हेट ही नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि अगर कुछ बोल भी रहे तो हमारी खुशी के लिए बोल रहे हो, हमारी इच्छा के लिए बोल रहे हो। तो ऐसे एक जज को नाम देना मतलब हम हमारे से ऐसे हो जाए कि नहीं यार विशाल सर को एक पॉइंट ज्यादा क्यों देना है, निया मैम भी तो अच्छी है, निया मैम को एक पॉइंट ज्यादा क्यों देना है, हिमेश सर भी तो अच्छे है, तो ऐसे तो ओके। इंडियन आइडल ने आपकी लाइफ कितनी चेंज की है और जो स्टारडम मिला है उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? क्योंकि स्टारडम मिलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि यू नो एक वो हो जाता है कि थोड़ा सा ईगो और वैसी चीजें आ जाती है बीच में। इस बात में मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन आइडल ने अभी तक मुझे बहुत बड़ा एक मौका दिया है, एक मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मुझे लोग जानते नहीं थे, मेरे काम से लेके मेरे गाने से लेके कौन है सवाई भट्ट, मतलब गली में गाता फिरता है, छोटे मोटे प्रोग्राम करता है, जागरण में जाता है, पर अब जो इंडियन आइडल की मंच से मुझे इतनी बड़ी एक थीम मिली, मुझे वो मेरे लिए एक लाइफ चेंज कर दी मेरी, क्योंकि इतने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, और इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इतने लोग मुझे प्यार दे रहे हैं मतलब, और मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को, मैं यहाँ पे हूँ फिर भी लोग, मेरे जो गांव वाले हैं और मेरे जो मामा है, मेरे जो रिश्तेदार है, वो मेरी मम्मी को राशन पानी दिलवा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी लोगों के साथ मैं जाता था, छोटे छोटे प्रोग्राम करता था गांव-गांव में, कभी जैसलमेर, कभी जोधपुर, ऐसे करता था मैं, तो वो लोग भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, और जितने भी लोग हैं तो मैं तो मेरा संदेश तो उनको ये है कि जितने भी जैसलमेर के लोग हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं जैसलमेर में, और वहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, फिर जोधपुर चले गए, जोधपुर में भी हमें काफ़ी लोगों ने, हमारे कठपुतले को काफ़ी लोग मान सम्मान दिया है, वापिस हमारे गाँव आ गए हम लोग नागौर, नागौर में तो सारा सपोर्ट हमारा करते ही है, इसलिए बहुत लोग मुझे इंडियन आइडल की वजह से, राजस्थान नहीं बल्कि पूरी इंडिया मुझे सपोर्ट करती है। उसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने पूछा कि इतना प्यार मिलने के बाद पैर जमीन पे रखना कितना मुश्किल होता है, या फिर वो घमंड ना चढ़, वो ईगो ना आने देना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन आइडल एक जादू की छड़ी है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक रात में तुम्हारा लाइफ इतना पूरा उल्टा हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। मतलब जब सवाई को मैं देखता हूँ तो सवाई के बारे में मैं जब सोचता हूँ तब मुझे सच में ऐसे इमोशनल हो जाता हूँ कि वो क्या दिन वो देख रहा था और आज वो कितना अच्छा, अच्छे दिन देख रहा है और उसको कितना प्यार मिल रहा है। सेम लाइकवाइज विद मी ऑल्सो, मुझे भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बस मैं खुद को एक ही बात समझा रहा हूँ कि ये प्यार हमें कंटिन्यूसली मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टेंटली मिलना चाहिए, और अभी हमने ही अच्छा परफॉर्म करके एक स्टैंडर्ड रेस किया है, तो वो स्टैंडर्ड के नीचे हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड को और उसके ऊपर ही परफॉर्म करना है, और उस वो करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं खुद को यही बोल रहा हूँ कि प्यार जब भी टेलीकास्ट होता है तब बहुत बहुत उस दिन, उस रात और उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मैं खुद को एक ही बात समझाता हूँ कि वो एक दिन जितना प्यार मिल रहा है उतना ले लो, खुशी खुश हो जाओ, पर दूसरे दिन वो जो नचिकेत था उसको सुला दो, पर नए नचिकेत को जगा दो, क्योंकि हमको मेहनत करनी है वापस, क्योंकि अगला एपिसोड है, अगला शूट डेट आ रहा है, तो वहां पे मैं खुद को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कहीं जाके जमीन पे खड़ा रह सकूं, क्योंकि जमीन पे खड़ा रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने अपने सबके एक एक फंडे हैं जो खुद को खींच के रखेंगे, जो रखेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है जिसको बहुत प्यार मिल रहा है और वो ऐसे हवा में है, और कुछ हो भी रहा है तो हमारे सर, हमारे मेंटर्स है ही जो हमें हमेशा अच्छा गाइडेंस देते, और आ जा भाई नीचे आ जा इधर आ जा, ये गाना गाएंगे, वो गाना गाएंगे, तो ये बहुत अच्छा फ्रेंडली अच्छा भी लगता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये
नाम हम हमारे कंधे पे लेके जा रहे हैं और हम यहाँ से उसको यहाँ उठाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पैर भी मजबूत होने जरूरी है। तो पैर मजबूत करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। एंड लास्टली यू नो फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे, एडवाइस या कुछ ऐसे? तो एडवाइस देने के लिए हम इतने बड़े अभी तक हुए नहीं है, तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी है हम जो भी कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हो ये हमारे लिए कर रहे हो, तो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर आपका सपोर्ट आपका प्यार कम हो जाए तो हमारा मोरल बूस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही प्यार करते रहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, बहुत ज्यादा हमें बताइए कि हम मतलब जो भी आपको अगर प्यार जताना है तो जरूर जताइए, हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। हम ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करते हैं कि थैंक यू, मैं आशीर्वाद दीजिए बहुत सारे, क्योंकि बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर थोड़ी सी मेहनत लीजिए और हम सबको ढेर सारा वोट करिए, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सी चीजें हैं जो आप वोट करके हमको सपोर्ट करके हमको आगे धीरे धीरे उठा सकते हो। तो जरूर वोट करिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सवैया एंड नचिकेत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, काफी सारी चीजें जानने मिली एंड होप टू सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग्स एंड प्रोजेक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।